नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। डालते एक नजर झालावाड़ की ताजा तरीन खबरों पर। मोहानी मंडी में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर पालिका द्वारा कोरोना के विरुद्ध नो मास्क नो एंट्री के तहत जन आंदोलन कर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें कोरोना महामारी से बचाव, रोकथाम एवं समझाइश के लिए मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं को लेकर रैली निकाली गई। रैली को कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी पुखराज मीणा व ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष हकीम खान द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में नगर पालिका से प्रारंभ होकर नेहरू सर्किल होकर सब्जी मंडी पर रैली का समापन किया गया। इस दौरान नगर पालिका द्वारा आम जन को मास्क व स्टिकर वितरित कर जागरूक किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी समुदाय मीणा, कनिष्ठ अभियंता देवमित्र कानूनगो, राजस्व अधिकारी पुखराज मीणा, मुकेश पंवार, कालू राम व्यास, गोपाल लाल, निर्माण मैट, सैयद वकार अली, राजेश तिवारी, दुर्गा शंकर, सुरेश मुरोलिया, अर्जुन सिंह तंवर, राजेश नरवाल आदि नगरपालिका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व आम जन मौजूद रहे। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिद्धू के निर्देश पर पुलिस विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पूर्व उपस्थित होने, प्रवेश पत्र साथ लाने समेत कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चौमेला कस्बे में स्थित पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक व अटल पेंशन योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पोस्ट विभाग कोटा मंडल के सहायक अधीक्षक सुनील राठौर, IPPB झालावाड़ ब्रांच मैनेजर सुनील कुमावत, निरीक्षक अभिषेक जैन की उपस्थिति में एक शिविर आयोजन किया गया, जिसमें चौमेला व गंगदार क्षेत्र के पोस्टमैन व कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा अटल पेंशन योजना के खाते खोलने, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता खोलने सहित कई प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से होने वाले लाभ बताए गए, जिससे क्षेत्र के हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, पुरुष इन योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सके। कार्यक्रम के दौरान अच्छा कार्य करने वाले पोस्टमैन को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यहां पे एक शिविर का आयोजन किया गया था, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो दूरस्थ जनता है, जो बैंकिंग क्षेत्र से, बैंकिंग से वंचित जनता है, उसको बैंकिंग से जोड़ने के लिए खोला गया है भारत सरकार के द्वारा, और उन लोगों को उनके डोर स्टेप पे बैंकिंग सेवाएं देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खोला जाता है। उसी के संबंध में जो पोस्टल एम्प्लॉयज हैं चौमेला एवं गंगदार क्षेत्र के, उन सभी को मोटिवेट किया गया है और बताया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें, ताकि वो अपने घरों पर ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का, बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सके। गंगधार में गुर्जर समाज के आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर दिव्य ज्योति संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज गंगधार तहसीलदार बालचंद मीणा प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कर्नल भैंसला द्वारा चलाए जा रहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन की मांगों को स्वीकार करने का आग्रह किया गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान शरवण सिंह, गोवर्धन सिंह, श्याम सिंह गुर्जर मौजूद रहे। मंसूर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थित मतगणना कक्ष का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निर्देश दिए कि मतगणना के संबंध में 9 नवंबर को रिहर्सल आयोजित की जाए। PWD विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना रूम के अंदर पोलिंग एजेंट, VM मशीनों को बाहर से एजेंट लोग देख सके, इसके लिए लोहे की जालियां लगाई जाएं। लोहे की जालियां बहुत ही अच्छी तरीके से, मजबूती से बनाए जाएं। मतगणना स्थान पर सभी वॉशरूम बहुत ही अच्छी स्थिति में होने चाहिए, उनकी साफ सफाई बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। झालावाड़ में मार्बल का पत्थर उतारते समय हादसा होने से एक मजदूर की मौत हो गई, वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना मध्य प्रदेश के भानपुरा थाना क्षेत्र के पिपलदा की है, जहां मार्बल की गड्डी पट्टी के नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई। झालावाड़ अस्पताल में घायल मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई, वहीं एक मजदूर का उपचार जारी है। पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। खबरों फिलहाल आज इतना ही। आप देखते रहे खबर 24 न्यूज़। धन्यवाद।